कोरोना वायरस के खौफ से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है, लेकिन यूपी के ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी जिम्स के डॉक्टरों ने उम्मीद की किरण जगा दी है। दरअसल जिम्स के डॉक्टरों में कोरोना वायरस से संक्रमित 19 मरीज को नया जीवन दे दिया है। जिम्स में केवल मंगलवार को ही कोरोना संक्रमित 5 मरीज को पूरी तरह से ठीक कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को मात देने वाले ये 5 योद्धा अब बेहद खुश नजर आ रही हैं। साथ ही एक नया जीवन देने के लिए वो डॉक्टर की जमकर तारीफ कर रही हैं, तो बेहतर इलाज के लिए सरकार की भी जमकर तारीफ की है। कोरोना वायरस को मात देकर नई जिंदगी हासिल करने वाली महिला ने भी अस्पताल के इंतजाम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारी पर सरकार को भी पूरे नंबर दिए। शुरुआत में गंदा लगता था क्योंकि हमारी तबीयतें ठीक नहीं थी, बट आफ्टर देन एवरीबडी गॉट रिकवर। फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड। स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एवरीथिंग। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? लोगों के लिए बस ये बोलूंगी मैं कि स्ट्रांग रहिए, ऐसा कुछ है नहीं इस बीमारी के अंदर। आपको सिम्टम्स आएंगे लेकिन आप ठीक भी हो जाएंगे। जो लोग जिनकी डेथ हो रही है उनको प्रीवियस उनकी कोई हिस्ट्री रही होगी या उनको कोई रिपोर्ट में पहले से दिक्कत रही होगी, तभी होगा। तो आप एक बार इलाज तो कराइए, आप जरूर ठीक। वहीं कोरोना वायरस को मात देने वाले आकाश ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी उम्मीद से ज्यादा मदद की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ काम से वो दिल्ली गए थे। आकाश को लगता है कि दिल्ली में ही उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। हालांकि आकाश ने उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। आकाश ने सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ की है। कंफर्म नहीं कह सकता मुझे कैसे हुआ, क्योंकि मैं 4-5 दिन अपने काम से दिल्ली में था, तो हो सकता है वहाँ से हुआ हो, पर एक्चुअली मुझे पता नहीं है कहाँ से, क्योंकि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। क्या हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर हॉस्पिटल के बारे में सर मैं जितना धन्यवाद देना चाहूँगा हॉस्पिटल को सर, वो जितना मतलब तारीफ करूँगा उतनी कम है हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट की, क्योंकि जिस हिसाब से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा है सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें मतलब हमारी जो भी वो होती है उसे पूरा करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स मतलब कुछ भी हमारे कंसर्न हो उसे पूरा करते हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर उनके लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप मतलब घबराइए मत, इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं है घबराने वाला। हम हैं मतलब सही और इसमें ठीक भी हो रहे बंदे, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका मतलब दिक्कत हो रही है उनकी दिक्कत ये है कि वो मतलब प्रीवियस को उनके बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो गई, वरना ऐसा कुछ है नहीं, बंदे सही भी हो रहे हैं। कोरोना को मात देने वाले एक और युवक ने भी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में उम्मीद से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई गईं। उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें भगवान का दर्जा दिया है। और फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ तो इट इज एट पार, मतलब वी एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट इन्होंने जो फैसिलिटीज दी है, जो सर्विस दी है, जो खाना दिया है, हमारी सारी रिक्वेस्ट इन्होंने फॉलो की है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारी सिटी थी उससे ऊपर इन्होंने किया है। आई एम वेरी मच हैप्पी और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। माई वाइफ इज स्टिल हियर, माई मदर ऑल्सो गेट टेस्टेड इन आइसोलेशन सेंटर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। ग्रेटर नोएडा में सीजफायर नाम की कंपनी के ज्यादातर स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को डिस्चार्ज होने वाले लोगों का संबंध भी इसी कंपनी से है। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी के एमडी ने जानबूझकर कोई सूचना नहीं छिपाई। तो आप सीज फायर कंपनी से रिलेटेड हैं, तो सीज फायर के जो आपके बॉस हैं सबसे पहले उन्हें हुआ था ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी गलतियां हैं कि उन्होंने प्रशासन से छुपाया? सर उसके हमें नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या हुआ ये डेटा तो न्यूज़पेपर दे रहा है। अब
वो कब, क्योंकि एक्चुअल में हमारा एमडी है, हमारा इंटरेक्शन हमारे एमडी से नहीं है, सो मे बी वो कब आए, कैसा हुआ, कौन आया कौन नहीं आया, वी रियली डोंट नो एनीथिंग। छिपाया कैसे, जब उनको सिम्टम्स आए तो वो तो आ ही गए, उसके बाद तो उन्होंने अपने आपको आइसोलेट भी किया और हॉस्पिटल में आ गए, तो छिपाया नहीं कैसे? नहीं, मगर उन्होंने बताया नहीं ना प्रशासन को कि वो कैसे बताएंगे, वो बता भी नहीं सकते ना, जब सिम्टम्स दिखाई देगा तभी। नहीं, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं बताई। ट्रैवल हिस्ट्री उनकी 15-20 दिन पहले की है, जबकि आइसोलेशन पीरियड आपका 14 दिन का। वहीं जिम्स के निदेशक ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता ने कहा कि अब तक 19 मरीजों को ठीक करके भेज चुके हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मरीजों को मोटिवेट किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सभी डिस्चार्ज किए गए मरीजों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। मैंने खुशी के साथ हम बोल रहे हैं कि आज 5 मरीजों की हम छुट्टी आज कर रहे हैं और अभी तक हम करीब 19 मरीजों की यहाँ से छुट्टी कर चुके हैं। अभी कितने मरीज बाकी हैं सर हॉस्पिटल में? और कितने 10 मरीज बाकी हैं यहाँ, 10 मरीज अभी एडमिट हैं। क्या उन्हें मतलब प्रिस्क्रिप्शन इन्हें क्या बताया गया है जो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, कि घर में जाके क्या करना है, कैसे रहना है? देखिए, इन सबको हमने बताया है कि ये बीमारी आपको हुई और बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। इसके बाद इनको 14 दिन का हमने क्वारंटाइन होम बताया है, जिसमें कि पूरी तरह अलग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है अपने फैमिली वालों से, और बाकी जो कफ एटिकेट्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो सब इनको करने के लिए बोला है। जिम्स के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से संक्रमित इन मरीजों को पूरा दिन गर्म पानी पीने के लिए दिया। साथ ही सभी मरीजों को गर्म पानी और नमक मिलाकर गरारा करवाया गया। साथ ही पर्सनल हाइजीन के लिए सभी मरीजों को मोटिवेट किया गया। वहीं इन मरीजों को एंटीवायरल और स्वाइन फ्लू को रोकने वाली दवा भी दी गई। साथ ही इन मरीजों को इम्यून पावर बढ़ाने के लिए भी दवा दी गई। जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना को मात दी है, उससे देश के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। अगर कोरोना वायरस का इलाज संभव है तो फिर घबराना कैसा? अगर आप सावधानी बरतेंगे और डॉक्टरों की सलाह को मानेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत कोरोना को हरा पाने में कामयाब हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्रेटर नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।